की प्रेरणा से ये ब्रज कैंप का आज आयोजन किया गया है। इसमें गुरुजियों की दया से एक रेमेडी भी होगी जो बगैर दान दहेज के, जिसको लोग शादी बोलते हैं, ठीक है सर। और परमात्मा की दया से आज सत्संग का प्रोग्राम भी है और साथ में रेमेडी चल रही है। हमने गुरुजियों की दया से कम 200 से 250 दिन का लक्ष्य रखा हुआ है, जो हमें ये लगता है कि उससे ज़्यादा क्रॉस होगा। आप देख रहे हो भक्तों में कितने जोश है। बोलो सबको देव की जय, बली छोड़ सो रामपाल जी महाराज की जय हो। सब सही सही। अभी आपने देखा यहाँ की जो व्यवस्था है वो देख रहे हैं। बैठ जाए अरे भगत जी बैठ जाओ, सच्चाई में बैठो भगत जी। ये सब हाजिरों की कमाई मुझको दे दे, किंतु उस सर्वशक्तिमान उस एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो उसकी शरण में जा। ये कहते हो मेरी शरण दूसरे के साथ में केवल प्रवचन देखते हुए बहुत से श्रद्धालु प्रोजेक्टर के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन कर रहे हैं। महाराज जी, आप जी कौन से सब ग्रंथों को प्रमाणित मानते हैं? ऑथेंटिक सब ग्रंथ मानते हैं। उन सब ग्रंथों में कौन से शास्त्र हैं जिनको आधार मानकर साधना भक्ति की जानी चाहिए? उनमें से सबसे पहला जो ग्रंथ है, सदग्रंथ है, वो है जो श्रीमद् भगवद् गीता धर्म चार के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है। गीता का अनुवादक कहता है कि अर्जुन, डोनेशन कैंप तीनों चीजें अपने हमें ज्ञान देने के, और वो एक लीला करता है कवियों की तरह के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, संग्रामियों के माध्यम से, वो अपनी जानकारी मार देता। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको सचिदानंद की वाणी कहते हैं, उसको कबीर वाणी कहते हैं। तो सबसे पहला ग्रंथ है कबीर वाणी। उन ऑल इन रिस्पेक्ट नई परंपरा आपको देखने को मिलती है, लेकिन अनमोल ग्रंथ को समझने के लिए कि उसमें जो लिखा है वो सत्य है और उन ग्रंथों से मेल खाता है जिनको हम आज तक सर्वधार्य मानते हैं। और कभी परमेश्वर की कबीर वाणी तो यहाँ बहुत फैली हुई है, और कबीर की जो कबीर शहर के अनुयायी है वो कम नहीं है, लगभग 15-20 करोड़ है भारतवर्ष में। लेकिन वो परमात्मा के उस ज्ञान को समझ नहीं पा रहे। जैसे 80-90 करोड़ हिंदू है, और हिंदू धर्म के जो शुद्ध पुण्य आत्मा है अपने सदग्रंथ यानी चारों वेदों को, पवित्र श्रीमद् भगवद् गीता को, पवित्र चारों वेदों को, पवित्र पुराणों को सत मानते हैं, सब उस पर आधारित है। और दास ने आपके रूप कर दिया कि आज कल हिंदू धर्म के लिए वो अपने उस ग्रंथों के बारे में कह कह जाऊंगा। ठीक इस यही दशा से जो कभी पंथियों की उनको उन अपने ही संकल्प जिसके वो कभी सागर कभी वाणी कभी बीजन के बहुत पीटते हैं,
उनके मंगल प्रवचन सुनते हुए सूर्या से आज किसी को बहकाया नहीं जा सकता। कोई ना सोचे रामपाल चले बोली इतना सच्चाई चलेगी और रोड रूट की जाएगी तब आपको विश्वास होगा कि बोली रामपाल कौन है ये रामपाल जैसे परमात्मा एक धान गरीब आदमी समझ कर कभी गीत का पत्र है ऐसे बकवास करके उसको रिजेक्ट कर दिया था वो समय चला गया। हमारे को पूरी सारी चाल चाल ली अपनी कि रामपाल तो क्या जाने संस्कृत के बारे में हिंदी भी ना पढ़नी आती सब कुछ पढ़कर कर दिया चार उम्मीद पढ़कर सुनाती गीता सब दिखा दी तुम्हारे सामने यथार्थ अनुवाद करके और सभी प्राणों का निष्कर्ष निकाल दिया कुरान शरीफ को आपके रूप रूप कर दिया उसको वास्तविकता क्या है वो कहते क्या है उसके लिए और पवित्र बाइबल को आपके सामने रूप रूप कर दिया। बाइबल क्या कहता है परमात्मा मनुष्य दृश्य है और पूरा ईसाई धर्म कहता है गॉड इज फॉर्मलेस तो खाक पड़ा उन्होंने सब ग्रंथों को क्या समझा उनको महापुरुषों की वाणी को इस क्या इस दास पर आजादी और दास इसलिए कहता है क्योंकि परमात्मा स्वयं आए थे उन्होंने भी बीच बीच में अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ी हम ही अलख अलावाह कुतुब गोस और पीने दीप दास खालक धनी हमरा नाम करी परमात्मा को कोई जानता ही नहीं था तो इसलिए उन्होंने अपने महिमा आप बतानी पड़ी ए रामानंद राम राम सृष्टि हमारे तीरे दास गरीब अदर बसों में अवगत सत कबीर तो परमात्मा ने अपनी महिमा आपको बतानी पड़ी इसलिए दास भी ये रह कर कह रहा है कि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त ये यथार्थ ज्ञान नहीं है और यदि कोई इस दास के प्राप्त ज्ञान और इस मंत्रों को स्वयं आगे प्रचार करता तो अच्छी बात है लेकिन स्वयं वो संत बनकर ये दान करने लग जाएगा वो समाज का सबसे बड़ा शत्रु होगा और वो अब गढ़े दिन चलेगा नहीं। तो दास आपको ये बताना चाहता है कि हमारे जो यथार्थ सदग्रंथ है तो परमात्मा का जो कबीर वाणी है कबीर बीजक है कबीर सागर है और कबीर शब्दावली है कबीर दोहे हैं परमात्मा के ये तो एक नंबर का सदग्रंथ है। इसमें सभी 18 पुराण 11 उपनिषद 6 शास्त्र और श्रीमद् भगवद् गीता और सात अध्यायों के हाँ जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सर कहाँ से आए हैं आप? सर हिसार से हूँ जलेबी चौक से। यहाँ आप लाइन में लगे हुए हैं कैंप की तो किसकी प्रेरणा से आप यहाँ पे? ये सर हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनकी प्रेरणा से ये ब्लड कैंप लगा हुआ है। सारे हमारे जो अपना भक्त भाई हैं परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जैसे सर ये ब्लड कैंप लगा हुआ है ये हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं उनकी प्रेरणा से ये आज हिसार में ब्लड कैंप का आयोजन किया हुआ है। सैकड़ों हमारे अनुयायु यहाँ पे ब्लड कैंप में इतनी भीड़ देखने को मिली अंदर से लेके बाहर तक कम से कम 500 मेरे भक्त भाई
और सदगुरु रामपाल जी के अनुयायी इस ब्लड कैंप में देखो लाइन पे लाइन लगी हुई है, काफ़ी लाइन लगी हुई है और बहुत तस्वीर है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के, जैसे मुकाल सभी कोई दहेज पर था और दहेज मुक्त भारत को बुलाने में उनका योगदान हो रहा है। क्या संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नशा वगैरह भी करते हैं? सर, संत रामपाल जी के शिष्य तो नशा क्या, वो कहीं बीड़ी बीड़ी वाले को माचिस तक भी नहीं देते हैं और उनके साथ बैठते भी नहीं है या उनके साथ ऐसी कोई नशे की प्रेरणा वाली कोई बात ही नहीं करते हैं, जिससे ऐसा है कि कोई नशा का इस तरह। हमारा जो उद्देश्य है संत रामपाल जी की जो उद्देश्य है वो एक नशा मुक्त भारत का दहेज प्रथा और समाज में इतनी कुरूतियाँ आई हुई है जो आज संत रामपाल जी की दया से ये सब हो रहा है। धन्यवाद। इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था की गई है यहाँ। हाँ जी सर, नमस्कार। सत साहेब, कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं राजस्थान बादरा तहसील हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ भगजी। तो ये जो ब्लड डोनेशन का है, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? ये जब हम सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, जब हमें बहुत चाहना थी इसकी कि भी हम भी अपना खून का दान करें, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की शिक्षा के अनुसार ही हम खून का दान कर रहे हैं। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत 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 बढ़िया फील हो रहा है भगजी, बहुत ही सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार। ऐसे लग रहा है कि एक बोतल की जगह दो बोतल का खून दिया जाए ताकि किसी भी आत्मा को दास के खून का सहयोग मिल सके। आर्मी में भी दास ने बहुत बार खून दिया है और यहाँ भी गुरुजी की दया से दो बार मौका मिल चुका है। धन्यवाद। क्या बोलना है? चाबंदी छोड़ गई, आज पहली बार रक्तदान कर रहा हूँ, बड़ी घबरावट थी लेकिन बंदी छोड़ने दया कर दी। अब बिल्कुल पूरा हौसला है, बंदी छोड़ सामने नहीं है, बिल्कुल अपनी दया बरसा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं भट्टू से हूँ, भट्टू मंडी से। अभी कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया फील हो रहा है जी, बिल्कुल हौसला नहीं था, बस मालिक ने दया करी है एकदम से। कितनी बार ब्लड दे चुके? पहली बार जी, डर लग रहा था लेकिन अब खूब हौसला है। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये बंदे छोड़ने दिए जी प्रेरणा, यहाँ भक्तों का जोश देखा जी, उससे होया जी। धन्यवाद। जय बंदे छोड़। जी।
भगत हैं प्रेस करते हुए बोलेंगे कहाँ से आए हैं आप सर साहेब जी मैं हिसार से आया हूँ यहीं से तो ये जो आपने अभी ब्लड डोनेशन किया है किसकी प्रेरणा से किया है ये हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज है ना उनकी प्रेरणा से दिया है कि समाज के लिए हित का कार्य है कि जिससे कि समाज में जो गरीब लोग हैं जो जो कि ऑपरेशन और जो चोट वगैरह लगने पर जिनके पास में ब्लड नहीं पहुंचता उनके लिए और जो कि आर्मी वगैरह के लिए उनके लिए पहुँचाया जाता है ये ब्लड हमने रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ये ब्लड दिया है। कैसा फील हो रहा है अभी आपको? हमको मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि लग रहा है कि ब्लड तो मैंने पहले भी काफ़ी बार दिया है लेकिन आज जो खुशी महसूस हो रही है ऐसी खुशी महसूस मैंने जीवन में कभी भी नहीं फील की क्योंकि पहले मैं राम रहीम से जुड़ा हुआ था ब्लड मैंने वहाँ पे लगभग 20 बार से ज़्यादा बार दिया ब्लड मैंने और लेकिन कभी ऐसी खुशी महसूस नहीं हुई जो कि आज रियल में खुशी महसूस हो रही है कि बिल्कुल सच्ची जो है ना जो सच्ची जो है ना परमात्मा का जो सच्चा कार्य है उसके अंदर आज मेरा ब्लड का खून का कतरा जो है लग रहा है और अन्यथा वैसे तो मेरा जो इतना खून मैंने दिया है पहले राम रहीम के जो उनके अनुयायी जो मैं पहले रह चुका हूँ तो मुझे नहीं लग रहा था कि कोई ऐसा अच्छा कार्य मैंने किया है वैसे सामाजिक नेतृत्व से तो कार्य अच्छा किया है मैंने लेकिन वो चीज़ नहीं लगी कि जो उनके साथ में जो आज एक रियल खुशी आ रही है मुझे जो अंदर से कहते हैं ना कि रियल जो हर व्यक्ति जानता है कि रियल खुशी क्या होती है वो खुशी मुझे महसूस हो रही है आज ब्लड देने पर और अभी मुझे नाम लिए भी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ यहाँ से 6 महीने और 8-9 दिन के आसपास मुझे नाम लिए हुए हैं और इतनी रियल में जो खुशी होती है ना उस परमात्मा के साथ में जुड़ने की वो खुशी और ब्लड देने की रियल खुशी मुझे आज महसूस हो रही है। अच्छा जी धन्यवाद। हाँ जी कहाँ से आए हो भगत जी? मैं हिसार आजाद नगर से आया हूँ जी। कृष्ण कुमार है मेरा नाम और अभी किन की प्रेरणा से आपने ये खूनदान किया है? जगत गुरु तत्वदर्शी पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से आज रक्तदान कर रहे हैं और उन्हीं की विशेष कृपा है जो आज हम ये सेवा और योगदान दे पा रहे हैं। हम परमपिता परमात्मा सदगुरुदेव के इतने आभारी हैं कि जैसे समाज कल्याण तो और भी कर रहे हैं जी। आजकल बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो समाज कल्याण कर रही हैं लेकिन जो मार्ग जो दिशा संत रामपाल जी मार्ग हमारे को दे रहे हैं ना जी वो मतलब आम आदमी नहीं दे पा रहे क्योंकि सदगुरु जी हमें ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं। कोई भी धर्म कोई संप्रदाय इस तरीके की दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि गुरु जी ने हमें ऐसी शिक्षा दी है कि किसी भी प्रकार की कोई बुराई किसी भी समाज के खिलाफ किसी प्रकार का कोई द्वेष या आपस में भाईचारे की जो एक विशेष गतिविधि है भाईचारे की भावना है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को दी है जी और हम परमपिता परमात्मा सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के बड़े आभारी हैं। क्या आप कोई नशा भी करते हैं? किसी भी प्रकार का नशा करना तो दूर जी हम किसी भी बाइक को नशा बीड़ी सिगरेट तम्बाकू के लिए हम माचिस भी नहीं देते। नशा करना तो बहुत ही परमपिता परमात्मा जैसी वजह है संत रामपाल जी महाराज जी की। धन्यवाद। कहाँ से आए हो भगत जी? मैं हाँसी से बिलोंग करता हूँ। हाँसी यूपी और रानी पीरवाली से रमेश दास मेरा नाम है और मैं संत रामपाल जी महाराज से 2005 में मैंने नाम दीक्षा ली थी और संत रामपाल जी महाराज को गुरु है और इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। इनसे पहले जो पूर्ण संत थे जैसे दादू साहेब गरीबदास जी महाराज गरीबदास जी महाराज और गुरु नानक देव जी गोलक्षण जी ये कुछ संत हैं जो हमारे माँ कबीर साहेब जिनको सतलोक लेके गए थे उन्होंने अपनी वाणियाँ अपने मुख से बोली थी और सतगुरु रामपाल जी महाराज
इन्हीं के आधार पर अपना ज्ञान दे रहे हैं। वो विश्व में पूर्ण संत है, उनसे ऊपर कोई संत धरती पे नहीं है। और ये किसी हर तरह का, चाहे कोई भी भयंकर से भयंकर बीमारी हो शरीर में, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेते ही तुरंत दूर हो जाती है अगर हम मर्यादा में रहते हैं। संत साहेब, ये कैंप की जो आपने अभी खूनदान किया है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा हमारे संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से हम ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। और इस ब्लड कैंप में 200 से 250 यूनिट हम लेके चले थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि बाहर भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। और हमारा आइडिया इससे ऊपर जाएगा, 200-250 यूनिट से ज़्यादा ब्लड का दान होगा। ठीक, धन्यवाद। सब सही हाँ जी, कहाँ से आए हो आप? सच्चाई, मैं चंद्रनगर हिसार से आया। आवाज़ तेज तेज। मैं चंद्रनगर हिसार से आया। अच्छा जी, ये जो खूनदान की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी, नाम दिया उधर से बताया गया, यहाँ पे शिविर लगते हैं और बहुत ही अच्छा सत्संग होता है। पहले मेरा परिवार आया हुआ था, मतलब मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ और बाहर ही चला गया था आपसी सर्विस के लिए श्रीनगर साइड में। जब आपसी आया तो काफ़ी टाइम से दिया हुआ था। पहले मेरे ससुर जी संत लाल जी फिलौर से, उन्होंने नाम दिया हुआ था। वो मेरे बच्चों को लेके गए, परिवार को लेके गए। तो काफ़ी सालों से ऐसी परेशानी आई हुई थी मेरे घर पे, काफ़ी कम से कम 4-5 लाख पैसा बर्बाद भी हो गया। फिर नाम दिया, ऋषि को बताया गया, मेरे कहना ससुर जी ने बोला, साथ में लेके चले गए। उसके बाद बच्चों को नाम दिलाया गया, कुछ आराम हुआ। मगर मेरे पीछे ऐसी कलाएँ चली हुई थी जो साफ सुंदर दिखाई देती थी, मैंने घर हाँ जी जो दिखाई देती थी। कभी कभी गाड़ी के हॉर्न बनना, रात को जगाना। फिर यहाँ पे आए, काफ़ी आराम हुआ। कैंप के विषय में बहुत बढ़िया लगा इधर रक्तदान के बारे में। काफ़ी हम भी आगे देखते रहेंगे, अभी भी दिया है। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सेवा पानी बहुत इज्जत से अच्छी तरह से रख रखाव। यहाँ का स्टाफ, यहाँ के सब कुछ कार्यकर्ता इतनी अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, बहुत ही जिंदगी से। धन्यवाद। फर्क तो है यार, भाई जी दिखाओ जी दिखाई ले। ये लेडीज का